अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 जुलाई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2024 अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। यूपी टेट सुपर टेट की अपडेट क्या है, सारी अपडेट्स को देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो हम आपके सामने रखें। अभी दोस्तों आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस है ना वो कितनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने रहने वाला है। पहले दोस्तों वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि फीस आपकी कितनी लगेगी, यहाँ पर जरा देख लीजिए। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, चाहे 2017 बैच हो, 19 बैच हो, ठीक है, चाहे 2015 बैच हो, 18 बैच हो, 21 बैच हो या 23 बैच हो, या दोस्तों हमारा DLED का, ठीक है, कोई भी बैच हो, 2022 का भी बैच हो सकता है, तो सबके लिए फीस क्या रखी गई यहाँ पर देखिए। आपके लिए दोस्तों देखिए, प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा शुल्क रुपये 600 रुपये, या हिंदी में लिखा है 600 मात्र प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से दे है। तो दोस्तों आपके एग्जामिनेशन जो फॉर्म की फीस है ना वो कितने रुपये है, 600 रुपये है। अगर आपके कॉलेज वाले 600 रुपये से ज़्यादा ले रहे हैं तो वो गलत तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको जानना जरूरी है। भले आपके कॉलेज में 2000 ले, 3000 ले, 4000 ले ले, 6000 ले ले, ठीक है। बहुत से बच्चों का कमेंट था सर जी हमें बता दीजिए, तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए ना, ये वाला एग्जामिनेशन फॉर्म फीस वाली, ठीक है, तो आप हमें WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको दे देंगे, ठीक है। जिन भी बच्चों को जरूरत होगी कि भैया कॉलेज वाले देखे एक लिमिटेड पैसा ले, ठीक लगता ना, ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, कॉलेज वाले आपको डरवाते होंगे नहीं ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो रियलिटी जानिए, जो रियल है वो फीस देना चाहिए। बाकी आपने 41000 तो पेमेंट कर ही रखा है ना, कितना कॉलेज वाले लूटते हैं, चाहे डायट कॉलेज हो, डायट में आपने 10200 पेमेंट किया, प्राइवेट में 41000 किया है, तो जो सही फीस है वही कॉलेज को लेनी चाहिए, ठीक है। आप लोग का एग्जाम कब से होगा, एग्जाम की दोस्तों जो डेट प्रस्तावित है वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में, ये कहाँ लिखा है यहाँ पर देखिए, ठीक है, DLED BTC प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं माह अगस्त 2024 के प्रथम सप्ताह में संपादित कराया जाना संभावित है, ये संभावित लिखा है। डेट थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, पेपर जल्दी नहीं हो सकता लेकिन लेट हो सकता है थोड़ा बहुत। परीक्षा में आवेदन पत्र उन अभ्यर्थियों का पूरित कराया जाए जिनका प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो चुका हो, तो अब तैयार हो जाइए, सभी बच्चे तैयार रहेंगे जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं DLED 2023 प्रथम सेमेस्टर में, ठीक है, तो इस डेट को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, PNP हर बार दोस्त एक इतिहास रचता है, जी हाँ, इनका इतिहास ऐसा नहीं रहता कि बच्चे कम फेल हो, ज्यादा फेल होने वाला इतिहास आता है, ठीक है। तो इस बार DLED 2023 में बैच काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी हैं, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म फीस को लेकर काफ़ी असमंजस था, पेपर डेट को लेकर क्या डेट हो सकती है, देखिए जुलाई में तो हमारा पेपर होगा नहीं, अगस्त का जो फर्स्ट वीक है अगर देखा जाए तो पहली तारीख का पड़ रही है हमारी, 1 तारीख गुरुवार के दिन, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन ये पेपर हो जाए, और उसके बाद 206, 7, 8 ऐसे हो सकता है, या दोस्तों जो दूसरी डेट बनेगी ये डेट बन सकती है 6 से लेकर 11 तारीख तक, ठीक है, और ये वाली डेट जो 12 तारीख से बन रही ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, 11 तक तो डेट नहीं बनेगी, 5 से लेके मतलब 10 तारीख तक, सोमवार पड़ रहा है इधर, ये ध्यान देना, ठीक है, तो 15 अगस्त इधर पड़ेगा, इधर तो पेपर होगा नहीं 15 को, तो उस हिसाब से डेट शीट को मैनेज किया जाएगा। तो ये वाली डेट संभावित हो सकती है 5 से लेके, या तो 10 तारीख से कर ले या 1 तारीख से लेके, ठीक है, कब तक रखेंगे, 1, 2, 3, 5, 6, 7 ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, 2 डेट यहाँ पर बन रही है, एक तो ये हो सकती है, दूसरी ये, ठीक है, ऐसे ये सीरियल से आपका एग्जाम ले सकते हैं। बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात जरा देखिए, अब BEd के बच्चे क्या कर रहे हैं जरा वो देखिए, अपनी पावर का यूज वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देश के करोड़ों बेगुना BEd अभ्यर्थियों को दिनांक 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य करने के संबंध में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सांसद महोदय जी ने एक पत्र लिखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है प्राथमिक लेवल पर, ठीक है, तो अभी TGT की वैकेंसी आएगी ना, तो जो बच्चे DLED के ना उनको मौका नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाने आएगा कि DLED छात्रों को TGT में मौका दो, लेकिन कुछ बच्चे अपने लिए कोशिश कर रहे थे कि सभी को लड़ने का हक है, आगे बढ़ने का हक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी बातें हो रही है सब बातें आपको पता होनी चाहिए। सीटेट 7 जुलाई 2024 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द आएगा, तैयार रहिए रिजल्ट के लिए,
रिजल्ट भी आप लोग को डाउनलोड करना रहेगा, ठीक है ना। तो उसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। बीपीएससी का जो हमारा एग्जाम होगा वो 19 तारीख को होगा, 19 जुलाई और 20 जुलाई को। तैयार रही बीपीएससी एग्जाम के लिए। एग्जाम फॉर्म दोस्तों हमारा भरा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि नहीं डेट निकल जाए फिर आप लोग परेशान हो, ठीक है। हमारा एग्जाम का फॉर्म कब से भरा जाना शुरू हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 12 जुलाई से शुरू हो चुका है, 21/7/2024 ये लास्ट डेट है। अगर आप लोग का भाई कोई फीस ये सब बकाया हो तो कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। कॉलेज वाले बहुत ही गंदे होते हैं, कुछ कॉलेज वाले ऐसे होंगे ना आप पैसा नहीं देंगे आपका फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसे भी कॉलेज वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है, कॉलेज वाले ऐसी लापरवाही ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उनको पैसा लेने के लिए 2 साल का समय बहुत बचा है, पैसा कभी भी ले सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे के साथ ये गलत काम वो ना करें, ठीक है। हम कॉलेज वालों को जानते अच्छे से, बहुत कॉलेज वाले ठीक है बिल्कुल नहीं, क्या बताएं उनको कितने गंदे होते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। तो अब पेपर की तैयारी लास्ट टाइम में कैसे करनी, देखिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, चाहे वो बच्चे डायट के हो चाहे वो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के हो, ठीक है। अब एक बात पहले ये इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक को लेकर आप लोग सावधान रहिएगा। बहुत बार गलत पेपर वायरल करके आपका पेपर खराब कर दिया जाता है, उससे बच के रहना है, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग कोडिंग याद कर लेते, बाद में एक भी क्वेश्चन सही नहीं होता, इस चक्कर में हजारों बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखिए जब पेपर नजदीक आएगा ना तो बहुत से आप लोग को ऐसे ब्रोकर मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे भैया हमें 3,000 रुपये दो हम आपको पेपर दे देंगे, 5,000 दो ये कर दो, ठीक है। ऐसे लोग भी मिलेंगे, पेपर नजदीक आने दीजिए और प्रीवियस ईयर के ही पेपर आप लोग को वो पकड़ा देंगे, फिर कहेंगे देखो भाई पेपर बदल गया। कुछ लोगों को सही भी मिल जाता है, उनका पेपर अच्छा भी हो जाता है। तो बहुत तरह के लोग अभी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, पहली बार आपका एग्जाम होने जा रहा है तो ठीक है ना। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग सेव कर लीजिएगा, 8738 07 ठीक है 9216। अगर आप लोग मैसेज करा करिए तो बता दिया करिए आपका बैच कौन सा है, ठीक है। तो हम आपका नंबर वैसे ही सेव रखेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी ठीक है तो मैसेज आपको किया जाएगा या आप हमें करेंगे। डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे देखना है ये जरा एक बार देख लीजिएगा, बहुत से बच्चों का स्कॉलरशिप आ भी रहा है बहुत से बच्चों का नहीं आया है, तो चेक अपना करते रहिएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पेपर की तैयारी लास्ट टाइम है, समय बहुत ही कम बचा है, ठीक है। तो अंतिम समय में सीरीज खरीद लीजिए, सीरीज बेस्ट होगा आपके लिए। अच्छे से लघु उत्तरी क्वेश्चन को कभी मत छोड़ा करिए सीरीज में, क्योंकि लघु उत्तरी क्वेश्चन में काफी बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन भी कवर होते हैं, इसलिए उन क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उस हिसाब से आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो, ठीक है। तो पेपर के लिए ज्यादा डाउट में मत जाइए, कभी कभी क्या होता है देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है ऐसा संभावित है, थोड़ा बहुत डेट चेंज हो सकता है। डेट में चेंजेस का मतलब यही होता है कि पेपर थोड़ा लेट से ही होगा, कभी डेट चेंज होता तो पेपर जल्दी नहीं होता है, याद रखिएगा डेट चेंज का मतलब पेपर थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है और अच्छे से तैयारी करना है, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बचना है, अच्छे से पढ़ना है। सीटेट का रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा, यूपी टेट का पेपर साल के अंत में, सीटेट जो नेक्स्ट दिसंबर वाला होगा नेक्स्ट सीटेट वो भी दोस्तों जल्द ही आपको उसके लिए फॉर्म मिल जाएगा आपको। हाँ डीएलएड के जो बच्चे 2024 बैच वाले वो जब एडमिशन ले लेंगे तभी वो आवेदन के पात्र, उससे पहले तक नहीं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।